दो घड़ी घड़ी आओ जाओ, तो मुझे वो फोटो नहीं उतारियो। नहीं फोटो नहीं बना रहा, सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे। तो बस चीनी दे दो मुझे इतनी, उसे तरकारी से कहियो कि चीनी सस्ती कर दे। क्या नहीं तो ये क्या इतनी महंगी कर दी, 38 बेच रहे थे 5 दिन पहले, अब 45 कर दिए, क्या बात है? क्या कर दी महंगी? जो कर दी महंगी कर दी चीनी। क्यों पूछो इनको, बताओ इनको, बोलो क्या महंगाई हो रही है मुल्क में, दालें चीनी आटा। अरे कम बखत मारे, कल मैं वो लेने गई दाल 50 और 5 रुपए दिए, 50 और 100 रुपए किलो मसूर की दाल, 50 और 100 रुपए का दो। तो अब उसको तरकारी को कहना, सही है, उसको बोल देना, कहना भाई सस्ता कर, खुद तो कुर्सी में बैठ गया चश्मा लगा के। सही। और अब हम गरीब आदमी कहा, और आए दिन हड़ताले कर दे तो कोई क्या कहेंगे, हड़ताले करेगा तो वो तो खा लेगा बैठ के, और गरीब आदमी क्या करेगा जो रोज कुआ खोदे रोज पानी खोदे। अब यहाँ तो सही सही कह रहा है, वहाँ जाके उसके साथ मिलके खाएगा खाना। नहीं नहीं मैं नहीं मिलके खाऊंगा, मैं तो खुद आम हूँ, मैंने की करना है जी। ठीक है बिल्कुल, आपका पैगाम पहुँच जाएगा। बेनजीर को कह देना, कहना बेनजीर सस्ता, मरी नहीं है शहीद हुई है, यहाँ रह रही हूँ शादियों की, यहाँ आई थे, हमारा वो कंपनी वाग के सामने जो घर है, हाँ जहाँ लियाकत बाग है। अच्छा, हाँ मेरा मौकिफ साफ है, डिग्री डिग्री होता है, वो असली हुई और जाली। ये मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर ये भी जश्न आजादी को मनाने के लिए जोशो खरोश से बाजारों का रुख कर रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं। एक मिनट ये उड़ने तो दो। जी मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी जश्न आजादी को मनाने के लिए लोगों का जज्बा, आपको मेरे थप्पड़ खा देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना रश देखने में आ रहा है? इस पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है आवाम में। जितनी महंगाई जा रही है, इस महंगाई में बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है, आवाम जोश से अपने जोश और जज्बे से परचेजिंग कर रहे हैं, कीमत की उनको कोई नहीं है, कोई प्राइस। इसके ऊपर इसके अंगूठे पे भी निशान लगा हुआ था, ये भी वोट डाल के आया था, जो 12 साल का बच्चा है वो भी वोट डाल के आया था। कौन सी हुकूमत है ये? अगर कोई पकड़ा जाए यहाँ तो जमानत लेने वाला यहाँ का कोई नहीं होता। जी लाइन दे दिए के, लाइन दे दिए के, तो भैंसो तो ये फर्स्ट कॉलोनी थी जो सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद आबाद हुई थी। How will come prosperity in Pakistan? What's your suggestion about it? इंग्लिश चैनल है आपका? आपका इंग्लिश चैनल? अच्छा प्रोग्राम सिर्फ एक मेशी इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, आती नहीं कोई बात नहीं। हम लोग अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हर रोज नए इकदाम कर रहे हैं। इंग्लिश में आप बात कर सकती हैं? दो लाइनें सिर्फ अगर कर सकते। नहीं आप उर्दू में ही कर रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर भर में स्याह झंडे और रंड का बच्चा देख के शेर सुनाऊं? सुनाए। तुम दिए हो, तुम दिए हो, डरते हो तूफान के, नहीं नहीं तुम दिए हो डरते हो, मुझे बड़ा पुराना शेर है, मुझे आपको जस्ट कॉलिंग डिग्री फेक और करेक्ट इज एक्सेप्टेबल, बट कॉलिंग अ डिग्री मशकूक। बताए जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं? यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। ये बताइए कि आप कम क्यों करप्शन करते हैं, ज्यादा क्यों नहीं करते आप? टाइम कम मिलते हैं। संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर। लोग अपने इलाकों में ईद के ये, अरे भाई हट ना, चल भाई क्या यार, कराची से लोग ट्रेनों में सफर करने के लिए, अरे यार प्रयोदा तुसी पहले अपना एजेंडा दसो ना। How will prosperity come in Pakistan? We shall try in and efforts in full consensus and we should. आप भैया अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो। Achieve target. I
think Pakistan always try to अरे वाह 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 कमाल कर दिया with try to friendship with India. I think Pakistan sorry was fact on our integrity by a drone attacks of Americans. What your suggestion about it? We should careful our children's youngers because everybody can mistake them. अंग्रेजी कमाल की बोलती है मिश. No मतलब no one can mistake. How will come the prosperity in Pakistan? I think so. Prosperity will come in Pakistan when we will when we will is a big mark of the you can say honesty of India.